सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से PF कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर ये उमंग ऐप डाउनलोड करना है। देखिए, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए, मेरा ऐप ओपन हो रहा है। अभी इसमें एक ऑप्शन है ईपीएफओ में हमको क्लिक करना है। देखिए, मेरा खुल रहा है ईपीएफओ का ऐप। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस दिया है, साथ ही साथ यहाँ जनरल सर्विस, पेंशन स्कीम्स वगैरह और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विसेज में जाना है। तो यहाँ देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिए हैं, पासबुक का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप अपना पासबुक का बैलेंस देख सकते हैं। रिच क्लेम का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप अपना ये विदड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक क्लेम का ऑप्शन दिया। अगर आपने रिच क्लेम किया है तो आपको ट्रैक क्लेम में उसका एप्लीकेशन का डिटेल दिखता रहेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि इसमें 15 दिन का टाइम लगता है PF को आपके अकाउंट में आने के लिए। तो अभी देखिए, मैं ये अपना पासबुक के ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, पासबुक के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूएन नंबर डालने को बोलेगा। तो जो भी आपके यूएन नंबर है वो यूएन नंबर फिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं अपना यूएन नंबर डालता हूँ। इसके बाद आपको ये गेट ओटीपी का ऑप्शन में प्रेस कर देना। तो यहाँ पर गेट ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी देखिए अभी मेरे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर फिल करता हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए, ये ओटीपी आ गया, अभी मैं इसको ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देता हूँ और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ये पासबुक पे क्लिक करना है लॉगिन होने के बाद। देखिए, मेरा ये पासबुक खुल जाएगा। अभी देखिए लोडिंग हो रहा है। हाँ, अभी ये मेरा देखिए पूरा कंपनी का डिटेल्स आ गया। अभी यहाँ पे आपको पासबुक अकाउंट डिटेल्स जो दिया ना, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा पासबुक का डिटेल्स आएगा, कहाँ से आपका PF मेंबर है, पूरा कंट्रीब्यूशंस आ जाएगा, कहाँ कहाँ से किस किस महीने में कितना पेमेंट हुआ है, एम्प्लॉय का शेयर, पूरा भी शेयर इसमें आ जाएगा आपका। देखिए, विड्रॉल में भी अगर आपने कुछ विड्रॉ किया रहेगा तो उसका भी डिटेल्स आ जाएगा। अभी आपको बैक जाना है तो यहाँ पे देखिए एक रिच क्लेम का ऑप्शन है। आप रिच क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PF कैसे निकालना है मैं ये आपको बताता हूँ। रिच क्लेम के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ देखिए, मैंने ये डिटेल्स पहले से ही फिल रखा है। आप अपना UN का डेस्कटॉप साइट में खोलिए, वहाँ से आप ना HR को बोलिए तो आपका डिटेल्स पूरा फिल करके दे देगा। जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया आपका, पैन कार्ड का डिटेल्स डालना बहुत ज़रूरी है। अगर 30,000 से ऊपर आपका PF हुआ तो उसमें 30% से ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और फ़ोन नंबर, ये सारे डिटेल्स फिल करना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट का भी डिटेल्स इसमें फिल करना ज़रूरी है। देखिए, मैंने यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स फिल। तो अभी आप नीचे एक ऑप्शन देख रहे हैं, मेंबर आईडी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। इधर पर देखिए, मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो मेरा HR ने डाल के रखा है, आपका अगर नहीं डाला हो तो वो भी डाल बोलेंगे तो डाल देगा। साथ में आपको डेट ऑफ एग्जिट भी डालना, अगर आपको PF निकालना है तो डेट ऑफ एग्जिट बहुत ज़रूरी है डालना। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ एग्जिट भी डाल देंगे। और पेंशन, दो टाइप का PF होता है देखिए, एक आपका प्रोविडेंट फंड होता है, एक पेंशन स्कीम होता है। तो आपको दोनों ही अलग अलग तरीके से फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 19 भर के डालना पड़ेगा। ये आपका दोनों डिटेल्स है ना, ये भर देंगे तो आप प्रोसीड फॉर क्लेम में क्लिक करें। अभी मैंने जॉब छोड़ा नहीं तो फिर वो डाल नहीं सकता। तो अब ये डालेंगे आप डिटेल्स, तो इसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रोसीड फॉर क्लेम करेंगे। प्रोसीड फॉर क्लेम करने के बाद ये आपका आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स पूछेगा, कहाँ से कहाँ का आपका ऑफिस का एड्रेस है, बैंक का डिटेल्स वगैरह, तो ये सब डाल देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रैक क्लेम का ऑप्शन है, ट्रैक क्लेम में जाएंगे तो अगर आप ये विड्रॉ करने का प्रोसेस किया होगा तो मेंबर आईडी डाल के आप यहाँ से आप अपना PF विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स डाल देना है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरा नया चैनल है तो थोड़ा ग्रो करने के लिए आप लोगों का हेल्प का ज़रूरत रहेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को